देश के महान समाजवादी नेता एवं जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव और मुजफ्फरपुर के चर्चित व्यवसायी पूर्व पार्षद नंद कुमार उर्फ नंदू बाबू को श्रद्धांजलि देने के लिए मुजफ्फरपुर शहर के नव युवक समिति ट्रस्ट सभागार में सर्वदलीय श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कई राजनीतिक एवं सामाजिक दल के लोग शामिल हुए, जहां शरद यादव और नंदू बाबू के जीवन काल पर लोगों ने प्रकाश डाला। श्रद्धांजलि सभा में बैठे भाजपा, राजद, जदयू, कांग्रेस एवं अन्य सामाजिक लोगों ने भी उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। श्रद्धांजलि सभा का आयोजन पूर्व डिप्टी मेयर विवेक कुमार और साहू भोपाल भारती ने किया, जिसमें मुख्य रूप से बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा और राम सूरत राय, पिछड़ा आयोग के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवान लाल सैनी, विधायक केदार गुप्ता, मेयर निर्मला साहू, डिप्टी मेयर मोना लिसा, पूर्व विधायक सुरेंद्र यादव और महेश्वर यादव, भाजपा नेता राजेश वर्मा, समाज सेवी एवं नंदू बाबू के शुभ चिंतक रहे देवीलाल, पूर्व MLC गणेश भारती, जदयू नेत्री किरण महतो, नंदू बाबू के करीबी व शुभ चिंतक रहे आलोक वर्मा आदि शामिल थे। आज मुजफ्फरपुर की बहुत ही अपूर्णीय क्षति हुई है। नंदू बाबू हम सब के अभिभावक थे, बड़े भाई थे और हर वर्ग को, हर समाज को लेकर चलने वाले थे। एक अच्छे उद्योगपति भी थे, अच्छे प्रतिष्ठित समाज सेवी भी थे और वार्ड पार्षद भी थे, और उनकी मृत्यु हुई हम सबों के लिए पुण्य क्षति है। और उससे भी बड़ा क्षति देश के लिए, उत्तर बिहार के लिए, खास करके बिहार में राजनीति में अपना कदम रख करके जीवन भर समय देने वाले परम आदरणीय, परम श्रद्धेय श्री शरद यादव जी का देहांत जो हुआ है, उसमें हम सब लोग मर्माहत हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके पर चिन्हों पर जो बचे हुए कामों को है, हम सब लोगों को समाज के अंदर दबे कुचले वैसे समाज के लोगों को आगे लेके चलने का हम लोग संकल्प लेके जा रहे हैं। उनके जो सपना था, जिसको हम लोग अपने माइक मंच के माध्यम से कहा भी है कि उस सपनों को साकार कैसे करें, इस पर हम लोग विचार करेंगे और उनके बड़े भव्य कार्यक्रम का भी आयोजन करेंगे। क्या क्या कुछ नंदू बाबू को लेकर के क्या कुछ किया जाएगा सर? निश्चित रूप से शहर के अंदर सभी हमारे सामाजिक प्रतिष्ठित राजनीतिक दल के सभी लोग जो इकट्ठे हुए थे, उनका आदमकद प्रतिमा कहीं जगह देख करके सार्वजनिक जगह पर लगाने की बात कही गई है। तो निश्चित रूप से मेयर और उपमेयर, वार्ड पार्षद सभी लोग यहाँ पर हैं, जगह चिन्हित करके उनकी लोगों की मांग पूरी की जाएगी। क्या उद्देश्य रहा श्रद्धांजलि सभा का? नंदू बाबू मुजफ्फरपुर के जन नायक थे, लोकप्रिय थे। परसों उनकी मृत्यु हो गई, उस मृत्यु के उपरांत कल उनका अंतिम संस्कार हुआ और बड़ी संख्या में लोगों ने उनके शव यात्रा में यादगार शव यात्रा बनाया। नंदू बाबू मुजफ्फरपुर शहर के कोई MLA MP और मेयर नहीं थे, लेकिन नंदू बाबू लोगों के दिल में बसने वाले थे और नंदू बाबू ने जो कर दिया मुजफ्फरपुर शहर को, वो मैंने मतलब आज जो टुनकी साहब धर्मशाला उनके परिवार की देन है, आज धर्मशाला है ठीक, अब शिक्षालय चल रहा है, वो भी तो शिक्षालय है, उसके बाद आपको राय बहादुर टुनकी साहब होम्योपैथ कॉलेज, और मैं समझता हूँ कि बहुत वो गरीब गुरुओं की आवाज़ थे, समाज के वंचितों की आवाज़ थे, हमेशा आजीवन गरीब गुरुओं की आवाज़ बनकर जिए हैं। हम उनके प्रति श्रद्धा से, आपने देखा कि आज सभी दलीय सीमा, जातीय सीमा, क्षेत्रीय सीमा लांघ कर नंदू बाबू को लोग याद करने के लिए एकदम सामने आ गए हैं। मैं नंदू बाबू के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनको, उनके बचाए हुए मार्गों पर और उनके शेष कार्यों को हम लोग पूरा करने का संकल्प लेते हैं। यही उनके प्रति सती श्रद्धांजलि भी होगी और फिर हम लोग मिलेंगे, फिर अपनी बात रखेंगे। अभी नंदू बाबू को हम लोग, शरद यादव का भी तस्वीर है, हाँ शरद यादव जी भी हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि शरद यादव इस देश के प्रखर सांसद और केंद्र में मंत्री रहे हैं, और मैं आज उनके प्रति भी हम लोग श्रद्धा के दो सुमन अर्पित करते हुए, नंदू बाबू हमारे मुजफ्फरपुर के समाजवादी और राष्ट्रीय स्तर के समाजवादी शरद यादव जी दोनों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, उनके मृत आत्मा की शांति करते हुए, वे हमारे बीच में नहीं है लेकिन उनके विचार और आदर्श हम लोग के बीच में हमेशा हम लोग को मार्गदर्शित करेगा, यही उनके प्रति श्रद्धांजलि। साहू भोपाल भारती इस आयोजन समिति के संयोजक है और भारतीय जनता पार्टी OBC मोर्चा के प्रदेश के प्रवक्ता है और अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश के प्रधान महासचिव। आज श्रद्धांजलि सभा है मुजफ्फरपुर के नंदू भाई का, नंद कुमार शाह उर्फ नंदू बाबू। मुजफ्फरपुर में भले ही राय बहादुर, दानवीर राय बहादुर टुनकी शाह के परपौत्र रहे हों, लेकिन शहर के लिए वो नंदू भाई रहे और गरीबों, दलितों, शोषितों, वंचितों के बीच
जो उनके कृत्य रहे, उनके कार्य रहे, उसको मुजफ्फरपुर की जनता भूल नहीं सकती। उसका साक्षात प्रमाण कल दिखा उनके शवयात्रा में, और समय ऊपर वाले ने उनको ले लिया, लेकिन आज वो रहते तो निश्चित तौर पर मुजफ्फरपुर की एक अलग दशा और दिशा होती। आज नंदू बाबू हम लोग के बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें हैं हम लोगों के बीच। आज दुर्भाग्य है कि हम लोग के समाजवादी चिंतक और समाजवादी नेता, जो समाजवाद के अंतिम पीढ़ी थे, शरद यादव, जिन्होंने पूरे देश की राजनीति को बदलने का काम किया, बिहार की राजनीति को बदलने का काम किया, वैसे शख्सियत को भी ऊपर वाले ने कल अपने यहाँ शरण में ले लिया। हम लोग काफ़ी दुखी हैं, शरद यादव जी भी अब हम लोग के बीच नहीं रहे, तो आज दोनों आदमी की ये श्रद्धांजलि सभा है, और दोनों लोगों के यहाँ अनुयायी, जो अनुयायी हैं वो सभी जाति धर्म दल सबसे ऊपर उठकर आज यहाँ पर आए हैं, और दोनों लोगों के अनुयायी हैं और अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। अपने शहर मुजफ्फरपुर में पहली बार आ गया है मैजिक ट्विस्ट टर्किश आइसक्रीम, तो बनाइए अपने पार्टी व अन्य आयोजनों को और भी खास टर्किश आइसक्रीम के साथ। शादी, बर्थडे, एनिवर्सरी आदि के बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9470740068 पर। हमारा पता है 3rd फ्लोर फूड कोर्ट ग्रैंड मॉल मिठनपुरा मुजफ्फरपुर।